द मेन आइडिया बिहाइंड डेकोरेटरी, मतलब जो मेन यूज है डेकोरेटर का, वो है उसका बिहेवियरल। मतलब ये हम फॉर एग्जांपल कि आपके पास ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है, ओके, एंड दे आर ऑफ सेम नेचर, मतलब उनका नेचर सेम है। अब अज्यूम करो कि आई वांट टू ऐड सम एडिशनल फंक्शनैलिटी टू वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर समझो कि हम एम्प्लॉय का कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो है उसमें अगर समझो हम सैलरी कंसिडर करते हैं, अब ऐसा होता है कि मैनेजर की सैलरी अलग होती है, एंड देन डेवलपर की सैलरी अलग होती है, देन क्यूए की सैलरी अलग होती है, ओके। तो इफ यू सी दे आर शेयरिंग द सेम नेचर, दे आर द एम्प्लॉय ओनली, इवन मैनेजर इज ऑल्सो एम्प्लॉय, बट इफ यू सी दे आर शेयरिंग द डिफरेंट नेचर, मतलब बिहेवियर उनका अलग है। मतलब कैसे, अगर मैं सैलरी गेट करता हूँ एम्प्लॉय की, मतलब नॉर्मल डेवलपर की, तो उसकी सैलरी अलग होगी, and then when I get the salary of manager, it will be different, okay? So in that case, we follow the decorator. So what is exactly decorator? It is nothing but adding the additional feature to existing object and without modifying, मतलब without reflecting on other object. मतलब अभी जैसे कि एक कोई समझो कि एक simple example अगर हम लेंगे, हम एक mall, ठीक है, तो मॉल में कोई, अभी मॉल का नेचर क्या होता है कि शॉपिंग, आप क्या करते हो, नॉर्मली जाते हो, शॉप करते हो, ओके, एंड देन यू परचेज सम मटेरियल और आइटम व्हाटएवर, एंड देन यू पे द बिल। अब मॉल में कैसा होता है, सेक्शन होते हैं, जैसे कि क्या होता है भाई कि वुमेन सेक्शन अलग होता है, एंड देन वुमेन का होने के बाद किड्स अलग होता है, एंड देन कुछ कॉस्मेटिक्स का अलग सेक्शन होता है, तो ये सेक्शन होते हैं। So in that case, assume there is a new cosmetics में क्या हुआ है कि नया कोई feature add हुआ है, so in that case you won't change the complete mall, मतलब अगर कोई नया product add हो रहा है तो आप just उसी में add करते हैं cosmetics में। अगर समझो kids section में कुछ नया आया तो आप सिर्फ उसी में modify करते हो, आप ऐसे ही करते हैं कि यार अब kids में add हो रहे हैं तो we'll modify cosmetic as well, ऐसे नहीं। तो depending on the behavior of object and depending on the nature of object, you modify the existing feature to deploy new feature. आप existing feature को modify कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, new features add कर रहे हो, that is nothing but a decorator. Decorator का मतलब just existing object को additional चीजें add करना, या फिर हम जब सबसे best example लेंगे तो website. अब अज्यूम करो यू आर डिजाइनिंग अ वेबसाइट, ओके, नाउ आपने क्या किया, एडमिन बनाया, यूजर बनाया, एंड सम ऑफ द फीचर्स ऑफ एडमिन आर यूज्ड बाय यूजर। अब यूजर जो है वो एडमिन के कुछ फीचर्स को शेयर कर रहा है, कुछ फीचर्स शेयर कर रहा है, इन दैट केस आप एडमिन का पूरा फीचर यूजर को नहीं दोगे, आप क्या करोगे, जस्ट यूजर को डेकोरेट करोगे एंड यू विल एड न्यू फीचर, ओके, बिकॉज इफ I follow the admin along with user. अगर मैं admin के सारे features user को दे देता हूँ तो दोनों options same ही हो गए। Now user is also admin, but that is not allowed. Okay? In that case, what we do? We add only two new features to user which are shared by admin. So in the use case में मैं क्या करूँगा? मैं just user को decorate करूँगा using the same interface. Which is used by the admin. So, मैं interface common रखूँगा and then I will create some implementer. So, decorator को आप service implementer भी कहते हो, क्योंकि वो क्या करता है, existing object में new features add करता है, okay? So, this is what decorator is. So, यहाँ पे कैसा होता है कि आपका जो necessity है, मतलब इसका architecture कैसे होता है, पहले तो nature का एक interface बनेगा, एंड देन डेकोरेटर का अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा, ओके, एंड देन आपको क्या नेचर ऐड करना है उसका एक अलग क्लास बनेगा जहाँ पे आप डेकोरेट करोगे। तो क्या क्या हो गया इसमें, एक इंटरफेस जो कि दोनों के नेचर को शेयर कर रहा है, एंड देन देयर विल बी अ अब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसको आप बोलोगे कि नेचर डेकोरेटर, और उसके बाद में क्या होगा, उसके नेचर में क्या फीचर ऐड करना है उसका एक क्लास बनेगा, दैट इज व्हाट डेकोरेटर इज, ओके। तो यहाँ पे जितने भी क्लासेस है, जितने भी एग्जिस्टिंग क्लासेस है, उनका सेपरेट डेकोरेटर बनेगा। अगर समझो एडमिन है तो एडमिन डेकोरेटर,
by manager है तो manager decorator, अगर user है तो user decorator, और उनका खुद का implementer बनेगा अलग से उनके लिए, ठीक है। तो हम इसका example देखते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सैलरी वाला डेकोरेटर बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा डेकोरेटर डेमो, ओके। नाउ माय फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ नेचर। अब मैं सबसे पहले एक इंटरफेस बनाऊंगा जो कि नेचर होगा, ओके। आई विल से आई टैग, ओके, सैलरी वाला इंटरफेस। चलो एक काम करते हैं, पूरा नाम दे आई सैलरी, ओके। नाउ दिस इज माय नेचर, ये मेरा नेचर है कि भाई सैलरी अलग-अलग होती है। देखो याद रखना, जब एडिशनल जो नेचर कॉमन है पे डेकोरेट होगा, रिमेंबर आप किसी को भी कोई भी चीज को लेके डेकोरेट नहीं करो, ओके। फॉर एग्जांपल सैलरी इज कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट, यू आर गेटिंग राइट। फॉर एग्जांपल मैं अभी दो क्लास बनाने वाला हूँ, एक डेवलपर एक मैनेजर, ये दोनों का नेचर में कॉमन क्या चीज है, सैलरी। तो सैलरी इज अ कॉमन नेचर, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग अ आई सैलरी नेचर, ये मेरा इंटरफेस हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक मेथड ऐड करता हूँ, I will say double get salary, ये salary का एक interface बन गया, ठीक है। अच्छा अब मैं दो class बनाऊंगा, first I will create a class say manager, okay, and it should implement I tag। अच्छा अब इसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को ऐड करो, सैलरी मैं रखता हूँ समझो 25। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास, क्रिएट डेवलपर, एंड इट शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट आई टैग। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ऐड करो, अच्छा फ्लो को समझते जाओ एक्चुअली कैसे हो रहा है। 20, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा जो कि सैलरी डेकोरेटर रहेगा, आपका न्यू क्लास, आई विल से सैलरी डेकोरेटर, ये इंप्लीमेंट करेगा आपके आई सैलरी। नाउ ऐड द मेथड एंड मेक इट अब्स्ट्रैक्ट, ओके। तो अब्स्ट्रैक्ट करो, अच्छा इसमें मेथड ओवरराइड करो आपका जो गेट सैलरी, गेट सैलरी को ओवरराइड, ठीक है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, इसमें आपको डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट को रखना है, तो हम क्या करेंगे, डेकोरेटेड ऑब्जेक्ट रखेंगे आप, आई सैलरी, ओके। ये वो ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको मैं डेकोरेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई वी व्हाट आई विल से डेकोरेटेड सैलरी, मैं इसको रखने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा जब आप रख रहे हो इसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियलाइज करना है आपको। सैलरी डेकोरेशन नाउ पास दैट आई सैलरी। सर एक मिनट, हाँ देखो भाई ये है, हाँ ये हैज हो गया, ये हैज हो गया, दिख रहा है। पीछे जाओ सर, सर पीछे जाओ, गो टू मैनेजर डेवलप एंड डेवलपर, ये इज अ हो गया, क्या हो गया, मैनेजर इज अ आई सैलरी है ना, हाँ यस। और डेवलपर सर, सर डेवलपर पे जाओ, तो डेवलपर इज अ, ये इज अ हो गया है ना अभिषेक। और यहां पर हमने क्या कर रहे हैं सर, इस पे जाओ सैलरी डेकोरेटर पे, हम लोग आई सैलरी का ऑब्जेक्ट बना रहे इधर, तो ये हैज अ कर रहे, क्या कर रहे हैं अपन,
है ना, जब हम लोग दूसरे दूसरे क्लास में दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना न्यू यूज करके, तो वो हैज अ है ये। तो इसके लिए इफ यू सीन द यूएमएल, उधर हैज अ भी था और इज अ भी था, है ना। तो ये देख, ये इंप्लीमेंट्स भी कर रहा है आई सैलरी को, उसको ऑब्जेक्ट भी बना रहा है ना। हाँ ठीक है सर, जो इसको इंप्लीमेंट करेगी क्या मैनेजर डेकोरेटर, ये मेरा मैनेजर का डेकोरेटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सटेंड करेगा उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो कि हमने सैलरी डेकोरेटर बनाया है, सैलरी डेकोरेटर। अच्छा देखिए, जब आप डेकोरेट कर रहे हो तो आपको आने में कुछ कंस्ट्रक्टर कंपल्सरी ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो आई सैलरी पास हो रहा था यहाँ पे वो हमने सुपर को पास कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट पास होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसका गेट सैलरी को ओवरराइड करता हूँ, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, देखिए जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है सैलरी का, उसके थ्रू मैं ये करूंगा, ठीक है, ड्रॉ करूंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी डेकोरेटेड शेप है, डेवलपर डेकोरेट
मेथड ऐड करो कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर ऐड करो, ठीक है आपने। अब इसका मैं गेट सेल को ओवरराइड करता हूं, अच्छा अब देखिए मैं क्या करता हूं, going to create my main class. अब मैं main class क्या करता हूं, एक और ऑब्जेक्ट बना के लेता हूं, आई सैलरी डेवलपर इज इक्वल टू सर लाइन 6 के सैलरी का डॉलर आ गया, क्या बोल रहे हैं लाइंस, हां भी ठीक है, ठीक है ओके। अच्छा अब मैं इनको प्रिंट कर देता हूं पहले, ये मेरा बेसिक ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब अब तक मैंने डेकोरेट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। अब मैं डेकोरेटर, अभी मैं डेकोरेटर का यूज कर पाने, ओके नाउ व्हाट आई विल डू, मैनेजर इज इक्वल टू, मैनेजर इज इक्वल टू, अच्छा देखिए अब मैं डेकोरेटर का यूज कर रहा हूँ, मैनेजर डेकोरेटर, इसका कौन है मैनेजर डेकोरेटर, ठीक है, और ब्रैकेट में उसका ऑब्जेक्ट, मैंने क्या किया पता है आपको, यहाँ पे मैंने मैनेजर को डेकोरेट किया और मैंने फिर भी पास कर सकते हैं, ठीक है, बट हमने क्या किया है एक्चुअली एक आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को डेकोरेट करो या फिर आप न्यू ऑब्जेक्ट को डेकोरेट करो, ठीक है। अब मैं डेवलपर को डेकोरेट करता हूँ, न्यू, अब इसका डेकोरेटर हो गया डेवलपर डेकोरेटर, अब इसमें पास करो न्यू डेवलपर, सर वो सेम ऑब्जेक्ट भी पास करेंगे लाइन नंबर 10 और 11 पे तो भी सेम रहेगा ना, कुछ इशू नहीं होगा, आप डेकोरेट हो आप सेम ऑब्जेक्ट पास करोगे तो भी वही होगा, क्योंकि ये हार्ड कोडेड सेल दे रहे हैं ना, हां हां और दे रहा है, तो अब क्या होगा जब डेकोरेट किया तो ऐड हो के आएगा, ओके ओके। तो मैं एक बार फ्लो समझाता हूं, फिर से समझ, देखो दिस इज माय नेचर, दिस इज माय बिहेवियर, व्हाट दैट इज सैलरी, तो मैंने इसमें गेट सैल नाम का मेथड क्रिएट किया जो कि सैलरी रिटर्न करने वाला है। नाउ आई हैव
created a manager जिसका salary 25 okay it's a basic object okay now it is implementing my nature and I am saying get that so it is returning 25 now I am creating a developer its nature is salary and it is returning 20 okay now what I am doing I am creating a salary decorator अच्छा ये salary decorator क्या करेगा just object को maintain करेगा okay so what I am doing I am keeping the nature I am initializing it and whenever ये भी आपके nature को क्या करेगा implement करेगा now get cell में आपको decorated जो decorated salary है मतलब जो modified object है उसका salary मिलेगा okay now I am creating a manager decorator in this what exactly we are doing we are extending the salary decorator जो कि हमारा abstract class है अब उसमें हमने nature को modify किया ये जो line है या behavior को modify कर रहे हैं okay and I am returning salary now similarly I am creating a decorator developer decorator जिसमें मैं उसके nature को modify कर रहा हूँ तो अगर आप देखोगे when I am modifying the manager decorator manager को जब मैं decorate कर रहा हूँ तब developer पे reflect नहीं होगा और जब मैं developer को modify कर रहा हूँ तब manager पर reflect नहीं होगा ठीक है अब हमने main में क्या किया पहले basic object बनाए new manager new developer and we are just printing the salary and after that we are decorating the manager so manager का decorator use किया manager और developer का decorator use किया developer और हमने उनकी salary print की ठीक है अब आप देखते हैं सर आप सर मुझे आप बनाओ ना एक मिनट के लिए होस्ट मैंने इसका UML बनाया है वो दिखाता हूँ मैं आप उस UML पे कमेंट्री देना सर आप बना दिए देखो सर अभी सर देखो ये गाइस सर दिख रहा है आपको हाँ हाँ दिख रहा है सर देखो ये अपना है एब्स्ट्रैक्ट जो बेस क्लास था ना आपका हाँ राइट जिससे आपने मैनेजर और डेवलपर निकाला था हाँ है ना और फिर आपने ये डेकोरेटर बनाया था उससे आपने दो क्लास निकाले थे और ये जो डेकोरेटर है ये इसे इनहेरिट भी कर रहा है और उसको हैज अ भी आ रहा है इसका सेम है ना सर वही है ना डेकोरेटर हाँ लिखा है हाँ हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हाँ वो इंटरफेस नहीं होगी वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होंगी सिर्फ हाँ क्योंकि हाँ क्योंकि यहाँ पर आप इज क्योंकि यहाँ पर आप इज कर रहे हैं हाँ करेक्ट करेक्ट यहाँ पर आप इज कर रहे हैं ये एक्सटेंडिंग नो हाँ ये नहीं होगा इंटरफेस नहीं होगा ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होगा सही है ना सर ये डायग्राम है ना वो ठीक है सर मैं आपको होस्ट बनाता हूँ आप रन करके दिखा देना यस सर डन यस सर यू कैन शेयर द स्क्रीन ये देखो हमने पहले मैनेजर का सैलरी प्रिंट किया एज विदाउट एडिंग न्यू बिहेवियर उसका आया 25 डेवलपर का सैलरी प्रिंट किया विदाउट एडिंग न्यू बिहेवियर 20 नाउ उसके बाद में हमने मैनेजर के सैलरी में 5 ऐड किया था 25 प्लस 5 इज 30 उसके बाद में हमने डेवलपर का सैलरी ऐड किया था जिसके अंदर हमने 2 ऐड किया था ये हो गया 22 तो इट मींस दीस आर द आफ्टर डेकोरेटेड वैल्यू एंड दीस आर द बिफोर डेकोरेटेड वैल्यू तो डेकोरेटर का यूज क्या हो गया जस्ट हमने एग्जिस्टिंग फीचर में कुछ ऐड किया एंड अभी ओके तो हम एक और काम कर सकते हैं देखो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं
एक मेथड डालते हैं पब्लिक वाइड सेट स्टैक। सर वो जो आई सैलरी है उसके अंदर क्या है? वो जस्ट इंटरफेस है। तो उसको ये इंप्लीमेंट कर रहा है ना, उसमें कोई डेटा नहीं उसके अंदर। नहीं डेटा नहीं है, वो तो इंटरफेस है। ठीक है, अच्छा ये हमने किया, हम क्या करेंगे गेट सेल में सैलरी रिटर्न। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे मैनेजर के पास आएंगे, इधर भी सेट डाल का मेथड डाल के पहले प्रॉपर्टी ऐड करो प्राइवेट। अच्छा ये जो सैलरी है ये हम इंटरफेस में नहीं रख सकते, बराबर ना? वरना वो हो जाएंगी फाइनल भी और स्टैटिक भी। अगर रख दिया तो फाइनल हो, हाँ फाइनल भी और स्टैटिक भी। हाँ राइट, आप तो चेंज नहीं कर पाओगे डॉट सैलरी। हाँ इधर करो, ओके। अच्छा अब हम क्या करो, यहाँ पे मेल पे यहाँ पे मैनेजर बनाया, मैनेजर डॉट सेट सेल को मैंने 20 सेट किया और इसको 15 सेट किया। ठीक है, अच्छा वहां सैलरी सेंटर पे मुझे ऐड करना था, ये मैंने ऐड कर दिया। सैलरी 0 आएगी ना, इससे वो 0 आएगी, 0 प्लस 5 हुआ है और ये हुआ है 0 प्लस। तो सर आपने को फिर यहां पर वही ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा ना फिर? हां राइट, सर अगर अपन मेन के अंदर न्यू मैनेजर की जगह पे सिर्फ मैनेजर पास कर दे तो हो जाएगा ना?
मेन में ये कर रहे हो तो आप डेड सेल को कॉल नहीं कर पाओगे। अब आप मैनेजर डॉट सेट सेल नहीं कर पाओगे, मैनेजर डॉट सेट सेल नहीं होगा, ओके, क्यों? क्योंकि वो इंटरफेस का रेफरेंस है। तो क्या कर देगा इस वक्त, आप इसको टाइप कर सकते हो मैनेजर, यस ठीक है, मैनेजर रश्मि आई कॉल यू बैक इन अराउंड 10 मिनट्स इज इट ओके, दिस इज पॉसिबल, ये अलाउड है। आप यहाँ पे डेवलपर को टाइप कर, जी कॉल में डेवलपर डेवलपर ओके आपका दिस इज अलाउड। तो आप या तो वहीं से ऑब्जेक्ट रिटर्न करो या तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेट करो, आप दोनों में से चूज भी कर सकते हो, ठीक है? तो आपको दोनों मेथड समझ आए ना। देखो आप अगर सेट सेल में डायरेक्टली इंस्टेंस रिटर्न कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन उस वक्त आप सेट सेल को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। बट अगर आपने वॉइड किया पब्लिक वॉइड पे सेट सेल, तो इस वक्त आप इंस्टेंस से वो मेथड कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरफेस होगा। तो आप क्या करोगे, उसको टाइप कास्ट करोगे। अच्छा, लेकिन एक और बेस्ट ये रहता है कि हमेशा जब भी आप चेक कर रहे हो, मतलब जब आप कोई मिस कॉल कर रहे हो तो पहले चेक करने का मैनेजर इज इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंस ऑफ मैनेजर, अगर ये मैनेजर का इंस्टेंस है तो उस पर कॉल करो, ये ऐसे चेक टाइप कर रहे हैं, ओके। और अब आप डेव पे कॉल कर रहे हो तो पहले चेक करो कि इफ डेव इज इंस्टेंस ऑफ डेवलपर, फिर उस पर कॉल करो, ओके। दिस इज व्हाट द अनदर मेथड, आप दोनों में कोई भी फॉलो करो। अच्छा देखो, आप 20+5 25 20+2 22, तो आप कैसे भी कर सकते हो। आप अगर इंस्टेंस बना के आपने इंस्टेंस बनाया है और आपको कॉल करने नहीं आ रहा है तो आप उसको टाइप कास्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बेस्ट ये लगता है कि यार नहीं ये डबल कास्टिंग क्यों हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहीं पे रिटर्न क्लिक कर सकते हो, तो वो ऑब्जेक्ट पे वो कॉल होगा। तो बहुत सारा वैलिड, आपको जो फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हो, ओके। लेकिन लोग जो स्टैंडर्ड वे होता है वो क्या होता है कि आप वॉइड रखो सैलरी को और आप टाइप कास्ट करो, टाइप कास्टिंग इज द बेस्ट मेथड, ओके। सो दिस इज द बेस्ट मेथड, हमने जो पहले किया था ये जो सैलरी में हम इंस्टेंस रिटर्न कर रहे हैं, इट्स रॉन्ग मेथड, ये नहीं करना है, याद रखो, ठीक है? अच्छा सर, समझ में आया ना सबको? हाँ सर, समझा। ओके, तो आप इंस्टेंस को टाइप कास्ट करके भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली इंस्टेंस को रिटर्न कर सकते हो, वो सर वैलिड, आपको जो फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हो।